नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सारे पॉसिबल क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मैं आपके लिए डालने वाला हूँ साइंस वन और साइंस टू के। जो जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। पॉसिबल क्वेश्चंस भी बताऊंगा, मतलब जितने हैं, और उसमें से लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो कलेक्शन है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से लिया गया है। लेकिन आपको एक जगह ये भी लगेगा कि इसमें सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, लेकिन आखिरी में जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पार्ट पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसमें ये चीज है। अच्छा, ये जो है ये एक टाइप का क्विक रिविजन है, ये एक टाइप का क्विक रिविजन भी है, ये एक टाइप के आपको सारे क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे। मतलब सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो रिलेटेड है कि जो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन ऐसा भी आ सकता है सेम क्वेश्चन की एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब यही क्वेश्चन आपको इस तरह से या ये क्वेश्चन आपको इस तरह से कोई एक पैटर्न बदल के आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने से होके जाए। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सीधे सीधे एक मार्क के क्वेश्चन है। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट विच वॉज सेंट इन द स्पेस बाय सोवियत यूनियन, या आपको यूएसएसआर दे के रख दे, या आपको ये दे दे कि नेम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हु स्टेप्ड ऑन द मून, और नेम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हु वेंट इनटू द स्पेस। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। या आपको यूएसएसआर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या आपको इसरो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। देखिए, साइंस के पेपर में हमने देखा है कि साइंस के जो ई बाल भारती के पेपर है वहां आपको देखने मिलेगा कि सारे क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप के ही है। मतलब वो आपकी आंखों के सामने से गए नहीं है। मतलब एक्चुअली क्या है, ये हमारी एक्टिविटी शीट है। ये हमें प्रॉब्लम क्यों हो रहा है कि ये एक्टिविटी शीट है, और एक्टिविटी शीट होने के कारण क्या होता है कि वो हर चीज आपको एक्टिविटी के फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन आपको बता दूं यहां पर और क्या है। सोवियत यूनियन ने कौन सा भेजा था बताइए, इन ये दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। यहां आगे आपको देखने मिलेगा कि व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस है, जो तीनों लॉ है, आपको वो पता होना चाहिए। आपको ये पूछा जा सकता है, गिव वन एग्जांपल इन विच न्यूटन्स थर्ड लॉ इज। आपको ये पूछा जा सकता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ किस में लगता है, एक एग्जांपल दीजिए, ओके। और जो है व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस, इसका क्या महत्व है, आपको ये पूछा जा सकता है। मतलब जो चीजें हैं, ये चीज समझ लीजिए आपके अपने लेवल पर कि ग्रेविटेशन लॉ ऑफ, मतलब जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है, ये आपसे पूछा जा सकता ही है, ये बात ध्यान रखिए। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में उनका इंपॉर्टेंस, आपको इसका इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं, आपको इसका इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं, दोनों अपनी जगह पर है। फिर बात आती है सेंट्रिपेटल फोर्स की और सर्कुलर मोशन की। सेंट्रिपेटल फोर्स और सर्कुलर मोशन पे अगर क्वेश्चन आपको आता है तो ज्यादा दो मार्क का आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हम ई बाल भारती के पेपर उठा के देखें तो हमने ये पाया है कि सिर्फ एक क्वेश्चन बना है कैपलर लॉ से, और बाकी जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो न्यूमेरिकल आए हैं इसी चैप्टर से। तो आपकी तैयारी उस तरह की होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। ये जो क्विक रिवीजन मैं आपका ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि इसकी मदद से आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने से चले जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन कुछ भी हो वो इसमें से ही आएगा। चलिए अगले पेज पे मैं जाता हूं। यहां आपको देखने मिलेगा कि राइट द केपलर्स लॉ, एक्सप्लेन देम एंड हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन छोड़िएगा ही मत, क्योंकि केपलर लॉ के ऊपर क्वेश्चन आपको आना तय है। केपलर लॉ के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, ये लिख लीजिए। और एक और बात कहना चाहूंगा कि जो ई बाल भारती के पेपर है वो सारे अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। हाउ डिड, पूरे तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसमें डेफिनेटली आएंगे क्योंकि उन्होंने दिए हैं हमको। हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रिपेटल फोर्स, और उसके बाद ये जो अगला मैंने रेड में बता के रखा है कि वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल कीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये पूछेंगे। अब इसकी वेरिएशन अलग अलग होगी, अर्थ के सर्फेस पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, स्काई में क्या होगा, स्पेस में क्या होगा, अलग अलग जगह पे पूछा जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन आपको मून के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक टाइप का क्विक रिवीजन है, जिसमें आपको इस क्विक रिवीजन के वीडियो में आपको सारी चीजें क्वेश्चंस आपके सामने से जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस आप समझ लीजिए और उनको किस तरह से करना है। देखिए साइंस में आपको जो आंसर्स दे के रखे, मुझे पता है ये सारे आंसर्स आपको पता है, ये आपको लर्न हो गए हैं क्योंकि अब एग्जाम करीब है, आपने इसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, लेकिन इनको फिर से देख लीजिए, कोई छूट गया हो गलती से तो उसको कर लीजिए, ठीक है। आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से कीजिए क्योंकि मास वेट के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। मास वेट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको तरीके से कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं अगले पेज पे जाता हूं। अगले पेज पे आपको देखने मिलेगा, ये सिंपल से क्वेश्चंस है कि फ्री फॉल। अब देखिए फ्री फॉल पर बेस्ड आपको यहां पर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, फ्री फॉल पर आपको डिफाइन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल में अगर क्वेश्चन आता है तो वो फ्री फॉल के ऊपर ही आएगा, ठीक है। देखिए आप फ्री फॉल के क्वेश्चन ज्यादा है, फ्री फॉल और कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशन, यही क्वेश्चन हमको देखने मिले हैं, ठीक है। व्हाट इज स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी क्या होती है वो आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है आगे है। एक्सप्लेन द वेटलेसनेस, ये वेटलेसनेस आपको एक बार ध्यान रखिए, मून के बारे में पूछा जा सकता है, आपको स्पेस में जाने में पूछा जा सकता है। हमारी है एक्टिविटी शीट, तो आपके लिए एग्जाम्पल ऐसे बताए जाएंगे, एक सिचुएशन बताई जाएगी और उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात ध्यान रखिए एक्टिविटी शीट है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि आपको सिचुएशन दे के क्वेश्चन पूछेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सीधे सीधे वेटलेसनेस नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ आपको ये बोल देंगे कि सपोज यू इफ यू गो ऑन द मून, व्हाट विल हाउ यू विल यू फील, और व्हाट विल बी चेंजेस, व्हाट चेंजेस यू विल फील, इस तरह से कुछ वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह की तैयारी करना है, इस तरह से आपको खुद को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बायंड फोर्स क्या होता है, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। और एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, बहुत शॉर्ट में आपसे 1 और 2 मार्क में पूछ सकते हैं। और मैंने अभी आपको कहा कि इफ यू गो ऑन द मून व्हाट विल हैपन, विल योर वेट रिमेन कॉन्स्टेंट एज यू गो अबोव द अर्थ सर्फेस, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है। अर्थ सर्फेस के ऊपर जाओगे तो क्या होगा, मून पर जाओगे तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से ही प्रिपरेशन करना है, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। मतलब हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने से जाना चाहिए, हर तरह का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, और इसी के लिए मैंने इस तरह का इसका नाम दिया कि ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉसिबल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्विक रिवीजन, तीन नाम इसीलिए मैंने यहां पर देके रखे। अब यहां पर आप देखने को आपको मिलेगा कि एज पर कैपलर्स लॉ व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज, प्लैनेट्स के ऑर्बिट क्या होते हैं, ये 1 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं। और लर्न ऑल द यूनिट्स, अब देखिए ये जो पॉइंट में बता के रखा है ग्रीन में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, कि इसमें देके रखा है लर्न ऑल द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन SI यूनिट सिस्टम एंड CGS सिस्टम। अब ऐसा क्यों, अब देखिए आपको जी की वैल्यू पूछ सकते हैं, अलग अलग इसमें पूछ सकते हैं, जितने भी क्वांटिटीज आपके सामने से गई है, जिनकी जिनके यूनिट्स है उनका CGS में और SI में दोनों में आपको यूनिट लिख लेना है। अगर तक अभी तक आपने नहीं किया तो उसको कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप फिल इन द ब्लैंक्स में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इसी टाइप के बनेंगे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मास 10 kg है तो वेट क्या होगा, हमने मास और वेट बहुत अच्छे से किया है। अगर आपने ग्रेविटेशन वाला वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, ओके। अभी टाइम कम है, लेकिन जितनी चीजें आपके सामने आ रही हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको तरीके से कर लेना है। कंडीशनल क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको क्या कहा कि आपको चांसेस ज्यादा कंडीशनल क्वेश्चंस के ही है, आपको सिंपल मैंने कहा ना कि आपको डायरेक्टली कुछ नहीं पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे कि इज देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द टेबल और बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू, इफ यस व्हाई डोंट दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर। यही चीज, मतलब यही चीज कंडीशनल, अलग अलग कंडीशन आपको दे सकते हैं, आपको डायग्राम दे सकते हैं और आपको वहां पूछ सकते हैं। तो जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं भैया, याद से तरीके से उनको कर लो, छोड़ो कुछ भी मत, ठीक है।
क्योंकि हमारी प्रॉब्लम मैथ्स अब नहीं है, बिकॉज आई एम विथ यू. साइंस में भी मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैंने पूरा नहीं पढ़ाया आपको, बिकॉज मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मुझे मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता है. साइंस इज नॉट माई सब्जेक्ट, मैं फिर भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ जो जो मैंने बताया, दैट इज आई थिंक दैट इज इनफ. आखिरी के कुछ एक वीडियो मेरा रह गया कार्बन कंपाउंड्स का, वो एथेनोइक एसिड के ऊपर है, वो प्रॉपर्टीज आप पढ़ लो, आराम से हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. चलिए मैं आगे आता हूँ, अगले पेज पे हम जाते हैं. यहां आपको देखने मिलेगा दैट एक्सप्लेन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसके चांसेस ज्यादा है भाई, ग्रेविटेशन लॉ जो है ना, इसके चांसेस ज्यादा है मैथमेटिकल फॉर्म में आपसे पूछ ले, क्योंकि अभी तो इस साल उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन देखिए लास्ट जब तक हम मैं पिछले सालों की बात करूं तो ये क्वेश्चन हम हमेशा डालते थे अपने पेपर में, जब जब हमने देखा है इसके आने के चांसेस ज्यादा हुआ करते थे कि मैथमेटिकल फॉर्मेट उसका लाओ. और उसके बाद में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ. ओके, ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आगे आते हैं, देखिए जो जो मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन देख लीजिए, ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एंड पॉसिबल दोनों. इंपॉर्टेंट आखिरी में बताऊंगा, ठीक है. स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. और आगे देके रखा है कि कंडीशनल क्वेश्चन, द पीस ऑफ द पेपर एंड द स्टोन आर रिलीज. अब यहाँ पीस ऑफ पेपर की जगह आपको फीदर दे सकते हैं, जो फीदर का हमें एक वीडियो बताया था, आप अगर जाके देखिए अपने यूट्यूब पर सर्च कीजिए फीदर इन स्टोन ग्रेविटेशनल फोर्स आप डालिए, तो नासा ने जो वीडियो डाला था वो उसमें बता के रखा था, उसको देखिए जरूर, ठीक है. वो दोनों क्या होता है, जब वहां पर वैक्यूम होगा तो वो एक साथ दोनों नीचे आते हैं. ओके, फ्रॉम द हिल साइमल्टेनियसली द स्टोन रीचेज ऑन द ग्राउंड अर्लियर एंड द पीस अर्लियर देन द पीस ऑफ पेपर. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसके लिए होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, वो उसको रोकता है नीचे आने से. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट उसके कर लो, ठीक है. मेन तो यही है, ठीक. आप देखिए वैक्यूम में वहां पर एटमोसफेयर नहीं होता, लेकिन यहां पर एटमोसफेयर होता है, उसके कारण उसको एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है. चलिए वो आपका आंसर आप देखिए तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक. चलिए मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ, अगले पेज पे आता हूँ. अगले पेज पर अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले देखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशन ऑन द अर्थ एंड ग्रेविटेशन ऑन द मून. ये सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज वन मार्क में, बहुत ज्यादा तो नहीं, वन मार्क में आपसे पूछ सकते हैं. अर्थ और मून का ग्रेविटेशन का रेशियो निकालो और एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर कीजिए, छोड़िए मत, ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से फैक्टर्स है आपको पता होना चाहिए. एक्सप्रेस द escape velocity in term of g and r, ये हमने explain करके दिया है. All the types of numerical given in the textbook. अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, numerical करने के लिए जितने solved है वो सारे के सारे करना है और unsolved भी करना है, ठीक है. और जो बाल भारती में देके रखे वो भी करना है, ठीक है. जो जो देके रखा है वो सारी चीजें कीजिए, छोड़िए कुछ भी मत. कंडीशनल क्वेश्चन ऑन द कैप्लर लॉ, देखिए मैंने यहां पर पहले लग के रखा था और जब मैंने बाद में मैंने ई बाल भारती की वेबसाइट पे जाके जो हमारे पेपर थे वो देखे थे, तो उसमें हमें देखने मिला था इस टाइप का क्वेश्चन. ये कंडीशनल क्वेश्चन है, इसके बारे में डायग्राम देके रखा और आपको पूछा है कि इसके बारे में क्या लॉ है वो बताइए, किसने दिए थे वो लॉ वो बताइए. तो ये इस तरह का फिगर आपसे पूछ सकते हैं. ओके, फिर देखे रखा था रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी द मास. ये इस तरह का, अगेन फिर से ये कंडीशनल क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन जो जो देके रखे कंडीशनल क्वेश्चन ऑन द केपलर लॉ, सारा का सारा है इस तरह का है. इतने क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है. अब आप सोचेंगे कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, कहां है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, भी आपको दिखाता हूं मैं आपको. ये जो मैं वीडियो बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो आपको ये हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे. आपको क्या करना है, सिलेबस में जाना है, क्लास 10th में जाना है और साइंस 1 में जाना है, वहां पर आपको ये देखने मिलेगा, वहां जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए मैं आपको वहां जाके बता देता हूं कि उसको किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, किस तरह से वो आपको मिलेगा, ठीक है. आइए दोस्तों मैं आ गया हूँ गूगल पर, आपको यहाँ एड्रेस बॉक्स में टाइप करना है www.pawanwaghacademy.com pawanwaghacademy.com. देखिए ये आ गया नीचे, क्योंकि मैं हमेशा उसको ओपन करता हूं. यहां पर आप जब ये पेज ओपन होगा आपको क्या करना है कि आपको सिंपली सिलेबस करके ऊपर आएगा उसमें जाना. ये देखिए यहां पर सिलेबस है, सिलेबस में आप जाएंगे तो ये आएगा क्लास 10th. क्लास 10th में आपको जाना है साइंस 1 में. जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आप साइंस 1 में यहां पहुंचोगे और यहां देखिए कुछ यूनिट टेस्ट के पेपर्स है. आप नीचे जाएंगे तो फर्स्ट टर्म के कुछ पेपर्स है, प्रीलिम का एक ही पेपर किसी भाई ने अपलोड किया था मराठी मीडियम का, वो मैंने अपडेट कर दिया है. और ये नीचे आपको देखने मिलेगा इंपॉर्टेंट ऑल पॉसिबल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशन चैप्टर, इसको क्लिक करना है आपको। जैसे आप इसको क्लिक करोगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, ये सारे क्वेश्चंस यहां पर है, और ये क्वेश्चंस के बाद में आपको थर्ड पेज पर फोर्थ पेज पर आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें क्या क्या है, लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन देखने मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये करना है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस उठा के आपको तरीके से कर लेना है, क्योंकि इसी के मदद से आप कर पाओगे। ओके दोस्तों, तो इस तरह से इसको डाउनलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें आनी नहीं चाहिए। ओके दोस्तों, तो इस तरह का ये है पूरा का पूरा। आप अगर देखें तो तीन पेजेस, चार पेजेस हैं, जिसमें तीन में तो मैंने क्वेश्चंस बता के रखे हैं, और अगले वाले में मैंने आपको आखिरी वाले में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके रखे, ठीक है। आप यहां जाके डाउनलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी आपको नहीं आएगी। और आप अगर चाहते हैं कि आपके पेपर आपको शेयर करना है मुझसे, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर जाना है, पोस्ट बाय क्लास में जाना है, और आपको जिस क्लास में जहां पर पोस्टिंग करना है वहां क्लिक कीजिए। जैसे आप ऐसा क्लिक करोगे, ये अभी मुझे ऐसा इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने लॉग इन नहीं किया है, मैं जैसे ही लॉग इन करूंगा, अगर मैं यहां से लॉग इन करता हूं, ओके, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा उसके लिए, और देन आई कैन अपलोड इट, ठीक है। तो उसके लिए लॉग इन करना पड़ेगा। देखिए मैंने लॉग इन अभी यहां पर अगर मैं करूं तो मुझे अलग नाम से करना होगा। देखिए मैं कर देता हूं लॉग इन, ये मैंने लॉग इन कर लिया। उसके बाद में मतलब उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आपको पेपर करना है। उसके बाद आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आप चाहे तो यहां पर जाइए, एड न्यू में जाइए, और फिर आप वहां जाके आप पेपर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका यहाँ एड मीडिया में जाइएगा, जैसे एड मीडिया पे क्लिक करोगे, पहले क्या करना है आपको, जो पेपर है उसका नाम आपको यहाँ टाइप करना है, फिर एड मीडिया में जाना है, और आपको जो भी पेपर आपके इसमें कंप्यूटर से लेना हो तो यहाँ क्लिक कीजिए, और फिर यहाँ से सेलेक्ट फाइल करके आपके कंप्यूटर से आप ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से है। तो देखा दोस्तों, ये इस तरह का आज का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी। अगला वीडियो में आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स को देख के मैं बनाऊंगा, अदरवाइज मैं बनाऊंगा नहीं। आप अपने कमेंट्स दीजिए कि आपको कैसा लगा, मुझे बताइए, और उसके बाद में आपके लिए अगला वीडियो जल्दी ही दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और आपके पास भी टाइम कम है। जल्दी जल्दी वीडियोज आएंगे साइंस के, मैंने मैथ्स का न्यूमेरिकल, मैथ्स का मैंने क्विक रिविजन दिया ही है, तो उसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। अब मैं साइंस के लिए ज्यादा काम कर रहा हूँ, मैथ्स के लिए तो मैं आपके हर दिन आपके डाउट सॉल्व कर ही रहा हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखते रहे पवन वाघ एकेडमी, धन्यवाद।